आज ना अपनी सौ नोट चाली पता नहीं भाई किसी के घर से बॉल चोरी करके लेके आ गई है। देखिए उठा 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 सोनू की क्या है तेरे मुंह में, दे इधर दे। ये देखिए दोस्तों पता नहीं आज ही किधर से बॉल उठा के लेके आई है, उस पेद को मटकाट देना। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज ना अपनी सौ नोट चाली पता नहीं भाई किसी के घर से बॉल चोरी करके लेके आ गई है, और भाई पता नहीं 10-15 मिनट से इसी बॉल से खेले जा रही है। भाई मैं जो बॉल लेके आया था उससे तो ये खेलती नहीं थी, और इस बॉल को लेके भाई ये इतनी एक्साइटेड है, दोनों की दोनों आपस में झगड़ रही है। चलो अब देखना दोस्तों इस बॉल के पीछे कैसे जाती है। भाई ये देख के तो बड़ा ही मजा आ गया मेरे को। चल हो गई ये, भाई इसको उठा के मेरे को भी ला के दे रही थी अभी तो। अब देखिए भाई सोनू कैसे शिकार के लिए बैठ गई है, मतलब चार्ली के पास बॉल है और सोनू भाई इसको लेने के लिए। सोनू ले, कम कम। चार्ली इसको पैरों में दबा के बैठ गई है। चल ये भाई ये बॉल ना मैंने सुबह सोनू के मुंह में देखी थी और सोनू इसको चुरा के लेके आई है, क्योंकि आज मैं ना इनको सुबह से ही खोल रखा हूँ, ये सुबह से इधर उधर घूम रही थी। देखना देख भाई आज इनकी हालत देख के इस बॉल की वजह से। एक बार तो इस बॉल को लेके जो मैं कल परसों मछलियाँ लेके आया था ना उसके फाउंटेन में कूद गई भाई ये मछलियों के पास ही, ये चाली और सोनू, और उधर नहा रही थी। भाई मैं जाके देखा, मैं सोचा भाई मछलियों की कुछ गलत ना हो जाए मछलियों के साथ। फिर भाई मछलियाँ तो अपनी बिल्कुल सेफ थी, और भाई फिर इनको जाते मैं निकाल के लेके आया। आ जाओ ले, आ जाओ। दोस्तों अब ना मैं इनको अपने सेटअप की तरफ लेके आ गया हूँ, और भाई आपको मैं कुछ दिनों पहले व्लॉग में बताया था कि अपना सेटअप अब इधर शिफ्ट होने वाला है। तो ये देखिए अपनी जो ये खेत है इसको भाई बुआई कर दिए हैं, इसकी जो सेटअप का प्लान था वो चेंज हो गया है। अब दो तीन प्लान चेंज हो गए हमारे। पहले भाई अपना सेटअप उधर बन रहा था बड़ा वाला, मतलब पूरे खेत को कवर करने में थे हम, बट भाई अब ना पापा जी ने प्लान चेंज कर दिया है और अपना सेटअप अब इधर भी हो सकता है। मतलब ये जगह है ना जो इधर वाली, जो अपना पुराना वाला सेटअप है, इसको इधर लंबा किया जाएगा इस पेड़ से लेके इधर। अभी तक ये भी फिक्स नहीं है, बट सेटअप का काम जल्दी चल होने वाला है कुछ दिनों में। अब जल्दी से अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, 1K होने वाले हैं, और फिर 1K के बाद में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, और बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आएंगे। ले सोनो, तो सेटअप की जगह चेंज हो गई है इस खेत में, तो भाई अब बुआई हो रही है, अभी तक जुताई हो रही है, बुआई नहीं हो रही, तो फिक्स नहीं है। इसमें भी बन सकता है और इधर भी, बट बनेगा ज़रूर, एक बिग सरप्राइज आने वाला है। ले सोनू, सोनू इधर आ ले, अभी तो खेलो तुम इस खेत में। ले सोनू, सोनू तेरी चाली देख, सुन ये बॉल तो तेरी गई है ना। सोनू देख ना, देख ये बॉल तेरी गई, वो गई। अरे भाई अभी खेत में चली जाएगी, ले आ जा। सोनू तो भाई थक गई है। दोस्तों ये तो ना खेल के थक चुके हैं, क्योंकि ये सुबह से खेल रहे हैं भाई, सुबह 7-8 बजे से, तो उस वजह से अभी इनको ज़्यादा निकलेंगे, थोड़ा इनको रेस्ट करने देते हैं, और फिर इनको नहलाना भी है, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ये देखे आजा सोनू, वो तो उधर बैठ गई है भाई उस ठंडी मिट्टी में, और ये डब्बों को मैंने बंद कर रखा है क्योंकि भाई ये ना इतनी शरारत करने लग गया आजकल। ले बोल, ये भी खेलता है भाई बॉल से, और आज देखे भाई इस पानी को कितना गंदा कर दिया इन्होंने, सोनू ने और चार्ली ने। अभी तो भाई ये मछलियाँ सही से नहीं दिख रही है, बट आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस फाउंटेन को भी साफ कर दिया जाए, क्योंकि इसको सोनू और चार्ली कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिए, और फिर इसको ऊपर से पैक करेंगे। ये देखें आपके सामने, देख सकते हो आप, ये भाई मछलियों पे भी अटैक कर सकती है, इनको अभी तक पता नहीं है, उस वजह से ये अटैक भी कर दे, तो इसके ऊपर कुछ जाली वाली लगा देंगे तो कोई भी जानवर अटैक नहीं कर पाएगा इन पर। एक बार इन डॉग्स को नहलाते हैं। पेप्सी तेरे केज में पानी किधर से आया? ये इधर फुहारे चल रहे हैं तो पेप्सी के केज में भी पानी आ गया। चलो अभी पेप्सी को भी नहलाएंगे, इन दोनों डॉग्स को भी। सो दोस्तों मैंने ना सभी डॉग्स को भी बंद कर दिया, चारों को, और इधर भाई अपने पेट भी फुल हो गए हैं पानी से, तो कंटेन का नहलाना शुरू। ये समझ चुके हैं भाई आज फिर से, भाई अभी ना ये 2-3 दिन पे नहा रहे हैं, मतलब हर 2-3 दिन पे मैं नहा रहा हूँ मैं इनको, जब से पेप्सी आई अपने पास, क्योंकि यार ये गंदे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। शैम्पू तो लगाता नहीं हूँ मैं, बस पानी पानी से नहलाता हूँ मैं इनको, नहलाता हूँ ना, फिर सूखने के बाद इतनी बढ़िया शाइन रहती है इनकी, और फिर ये गंदे हो जाते हैं। भाई जितने गंदे हो गए ना उतना ही रोज नहलाऊंगा मैं। सो दोस्तों चारों डॉग्स नहा लिए हैं अच्छे से और बिल्कुल साफ क्लीन हो गए हैं, अब इनका सूखने का वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा इन पौधों में पानी दे देते हैं। फाउंटेन को भी साफ करना है, बट वो अभी नहीं करेंगे, जब ये डॉग सूख जाएंगे ना फिर करेंगे इसको साफ। लो भाई पौधों में भी पानी दे दिया,
सो दोस्तों मैंने चारों डॉग्स को भी नहला दिया है और पौधों में भी पानी दे दिया है और अब इनके सूखने का वेट करते हैं इन डॉग्स का। फिर क्या है, मेरे को पेप्सी के बाल भी बोने हैं, मतलब इसके पीछे से बाल ख़राब हो रहे हैं, तो इसके जो भी ख़राब बाल हैं उनको उतारना है कंघी से। और फिर मिलते हैं आपसे, मतलब फाउंटेन को भी जब भी साफ़ करेंगे, जब तक केसू भी आ जाएगा, फिर इन मछलियों को या तो बाहर निकाल लेंगे इसी टप में या फिर इसमें रहने देंगे, मतलब थोड़ा सा साफ़ करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आपसे बाद में मिलते हैं। फिलहाल दोपहर हो गई है और भाई केसू भी स्कूल से आ गया है, मैं उसका ही वेट कर रहा था। क्या है कि इन मछलियों के फाउंटेन को साफ़ करना है क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और वो बहुत ही खाली हो गया है, तो एक बार ये पाइप भी ले चलते हैं और उन मछलियों के फाउंटेन को साफ़ करते हैं। केसू उनको भाई बाहर निकालना है और उनके फाउंटेन को साफ़ करना है। ये देखिए भाई इसका पानी कितना खाली हो चुका है और ये मछलियाँ देखिए कैसे भगती है। केसू देखना, ये देखिए भाई कितनी तेज़ भगती है, पता भी नहीं लगता कैसे भगती है। तो एक बार इस पानी को निकाल लेते हैं। केसू इनको पकड़ें कैसे भाई, ये बेटी सारी की सारी एक जगह। एक काम कर तू इस पानी को ऐसे साफ होने दे, यार इनको निकालना मुश्किल है। एक बार देखे टप ले गया, देख रुक 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 रुक, अरे भाई वो गई नीगे नीगे, बच गई बच गई। देखे इसको यहाँ पे लगा दो ना, अरे भाई रुक तो सही तो, इधर से आने वाली नहीं है तो एक गई एक गई एक गई, रुक जा रुक जा रुक जा, स्टप को उठा हो रहा है ये। अब कितनी रह रही है, वो लगाओ इसको एक बार पकड़, आ गई आ गई। इनको तो उठा दे, इनको तो उठा के सेफ जगह रख दे। कैसे आई है ये भाई, कांटा चुभ गया मेरे हाथ में। सो दोस्तों हमने फाउंटेन को तो बिल्कुल क्लीन कर दिया है और एक बार इसको भरते हैं। कैसे इसको यहाँ तक ही भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, और फिर इसके ऊपर ये ग्रीन नेट लगा देंगे थोड़ा सा काट के, या तो यहाँ से काट लेंगे या फिर इस गेट का, इस गेट का भी कोई काम का नहीं है ये नेट, तो कहीं से भी काट के फिर इसको कवर कर देंगे पूरे को। फिर जब अपने को ज़रूरत पड़ेगी इसको खोलने की तब खोल लेंगे, चारों तरफ से बांध देंगे भाई उसको। लो भाई अपना फाउंटेन भी बिल्कुल पैक हो गया है, इस रस्सी से इधर से चारों तरफ से बांध दिया है, ये देखिए भाई, और ये इधर इधर जगह रख दी है हमने, इधर से ऐसे अपनी मछली आराम से दिखेगी केसू, और इधर से इनको दाना भी डाल दिया जाएगा। चलो भाई सही है, अब एक बार इन मछलियों को इसमें छोड़ते हैं, ये पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल, एक एक मछली को पकड़ के। केसू तू पकड़ पकड़, हाथ में नहीं है कांटे, मत लगवा लेना बस। सुन एक काम करते हैं, इनको नेट से भी तो पकड़ने का बना सकते हैं ना अपन, एक बार कुछ बनाते हैं ये उस दिन पकड़ के लाए थे। और हाँ यार समझ में, इसमें भी तो पकड़ सकते हैं ना उस उसकी तरह। तो दोस्तों आपको मैं उस दिन नहीं दिखाया था हम मछलियाँ पकड़ के कैसे लाए थे, तो आज दिखाते हैं एक बार कि हम उनको कैसे पकड़े थे, इन मछलियों को, मतलब इन मछलियों को ऐसे ना हम उस पाउंडी में, मतलब जो इनका वो था उसमें ऐसे लेके और फिर ऐसे बीच में से उठा लिए थे, ये थोड़ा छोटा है कपड़ा, तो एक बार इनको पकड़ते हैं। कैसे उठा 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 उठा, दबा ले दबा ले दबा ले दबा ले दबा ले, हाँ बस दबा ले दो कोई दबा ले। ये देखे दोस्तों ऐसे पकड़ते हैं मछलियाँ, ये भाई बहुत पुरानी तकनीक है मेरी, बिल्कुल गंदगी मत जाने देना इसमें बिल्कुल भी। दो आ गई ना, अरे वो दोनों ही गिर गई भाई नीचे, मर जाएगी मरी। अरे भाई केसू ये क्या कर रहा है, तकनीक ही खराब गई अपनी तो। ये देखे दोस्तों पता ही नहीं हो चला। गई डाल दे छोड़ दे केसू, मर जाएगी, बाय बाय। सो दोस्तों फाइनली हम इन मछलियों को भी शिफ्ट कर दिए हैं और इस नेट की वजह से ना ये मछलियाँ क्लियर नहीं दिख पा रही। पानी तो भाई बिल्कुल साफ है और भाई हमारे को तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बट कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही इनकी अच्छी तरीके से क्योंकि नेट की छाया आ रही है, तो उस वजह से। और अब क्या करते हैं, अपने डॉग सूख गए हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाई पेप्सी के बालों को सही करना है और इसके ना थोड़ा शैम्पू का पानी लगाना है, मतलब स्प्रे से, तो इसकी थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह हो जाएगी, इसके बाल वगैरह सीधे करनी है और इन डॉग्स के भी थोड़ी कंघी लगानी है। केसू हाँ इसको बिठा। तो दोस्तों मैं और केसू भाई इसके केज में भी आ गए हैं और केसू को वो देखे कितना डर लग रहा है भाई, भाई 40 पे टेक बजा दी। सोनू अटैक, सोनू अटैक,
अटैक मैं अटैक कर दूंगा। पहले एक बार इनकी कर देते हैं केसू और फिर इनको बाहर निकाल देंगे। मेरे को दे इसकी तो हो गई है और एक बार चाली की और कर देते। वैसे चाली की जरूरत नहीं है। अरे ना देखना कैसे क्या करेगी। भाई इनका फिर से सूखने का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छी तरीके से गीले हो गए हैं। ये देख के सूख। चलो भाई चार्ली की भी हो गई है। अब जिसकी मेरे को मैन करनी थी पेप्सी की उसकी करनी है। तो दोस्तों हमने ना पेप्सी को बाहर निकाल लिया और उन दोनों को अंदर। अब देखना भाई कितने बाल उतरेंगे इसके। मेरे को देखे सो अब सही है भाई। देखे भाई खूब दिनों से कर रहा हूँ भाई मैं ऐसे। सो दोस्तों अब देखे भाई अपनी पेप्सी को पहले कैसी थी और अब देखे भाई इतने शानदार बाल हो गए हैं। बिल्कुल चमकने लग गए हैं। अच्छी तरीके से इसके बाल उतार दें। उस कंघी ना फुल हो गई थी वो कंघी। ये देखे बाल ही बाल हो गए हैं जबकि इसका कोट भी नहीं आया हुआ है। और अब देखे भाई कितनी चमक रही है ऊपर से जेड ब्लैक। तो पेप्सी अब से है ना इसको तो साफ़ कर दिया और अब इसको केज में बंद करते हैं। चल पेप्सी। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना भाई आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।